Hello everyone, I am Trupti and welcome back to the class of NPC. So, guys, I am back with a new video, and in this video, we'll discuss some important points from your chapter light. Okay, so the important points will be the image formation by the spherical mirrors, uses of mirrors, and at last we'll discuss mirror formula. Before I start the class, let's recall the previous one. In previous class

स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको जाना ज़रूरी है उसी की हेल्प से उसी के थ्रू आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे सो द रूल नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द इनकमिंग रेज आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ओके मीन्स अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होती है एंड दैट पॉइंट विल बी द प्रिंसिपल फोकस और वी कैन से फोकल पॉइंट ओके और ये जो है वो कॉन्केव मिरर में ये पूरा प्रोसेस अप्लाई हुआ है सेम कॉन्वैक्स मिरर में अप्लाई होगा ओके बट यहाँ पर कॉन्वैक्स मिररर के कैस में ये इस तरह से होता है कि दिस इज़ द पैरल रेस इंसिडेंट ऑन दैट पॉइंट एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस वे ओके तो ये इस तरह से अपियर होता है कि फोकस जो फोकल पॉइंट है यहाँ से वो ट्रेवल कर रहा है ओके सो दिस इज़ द रूल नंबर फर्स्ट द सेकेंड रूल विल बी द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन ओके

वो रेज क्या हो जाती हैं पैरल हो जाती है किसके पैरल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल ओके सो दिस इज़ द रूल नंबर सेकेंड द थर्ड रूल इफ द रेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोइंग टू द सेम पाथ ओके मीन्स अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई रेस इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर देन रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में वो रिटर्न हो जाएगी ओके यहाँ कॉनकेव मिरर के केस में इस तरह से अपीयर होगा एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको ये इंसिडेंट रे है और देन अगेन वो क्या हो गई रिफ्लेक्टेड हो गई अगर आप इसे फॉरवर्ड बैक करें तो दिस Lines are meet, this ray are meet at point C. Okay, so this is the rule number third. Rule number four if the incoming rays incident at a pole, okay, pole per incident hotiye, then after reflection it will be going in this way. ये क्लियरली अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके स्फेरिकल मिरर के केस में रिफ्लेक्शंस लॉ जो हैं वो तो अप्लाई होते हैं बट यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल एंड दिस आर द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑफ सेम ओके सो दिस इज द कॉन्व मिररर एंड दिस वन इज़ कॉन्वैक्स मिररर सो रूल नंबर फोर्थ विल बी क्लियर With the help of these four rules, we will discuss image formation by the concave mirror as well as convex mirror. Okay, so let's see. I hope you can see every point clearly. Okay. So start karte image formation by the concave mirror, and this table shows the position of object, position of image. साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज इन सभी पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है इस टेबल को ओके okay? बट इस टेबल की इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब हम इन रे डायग्राम्स को समझेंगे ओके okay? इन सभी रे डायग्राम्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर ये आपको टेबल क्लियर हो जाएगी ओके सो केस नंबर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट में अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनी पर है ओके इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनीटी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी द पॉइंट साइज इमेज ओके मीन्स कैसे होगा कि यहाँ पे सपोज ए बी इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एट द इंफिनिटी इन्फिनीटी से रेस इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट से पास हुई ओके okay. और यहाँ पर भी इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल गई एंड रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट पर इंसिडेंट हुई तो फोकल पॉइंट पर आपका इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसका साइज जो होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा पॉइंट साइज होगा ओके एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड रियल इमेज मीन्स जो रेज आपके रियल इंटरसेप्ट होती है एंड इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज ओके इन वर्चुअल इमेज द रेज आर अपीयर ओके वर्चुअल इमेज में आपको रेज जो है वो एक्चुअल मीट नहीं होती वो अपीयर होती है ओके okay. अपियर होती है इज़ लाइक अ मीटिंग पॉइंट ओके तो यहाँ पर रियल इमेज में रियल रेज जो है वो मीट होती है एंड इंटरसेक्शन के थ्रू हमें इमेज फॉर्मेशन मिलता है एंड इन्वर्टेड में ये होता है कि आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट जो है वो इमेज का राइट होगा सो so, अगर आपके पास ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या बनेगा बी डैश ओके टॉप और बॉटम भी यहाँ चेंज हो गए ओके आई होप ये फर्स्ट वाला केस आप क्लियर है सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनी से थोड़ा आगे ले जाते हैं मीन्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के थोड़ा सा पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा तो अगर सी के पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से आपके रेज इंसिडेंट हुई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरल रेज तो हमेशा फोकल पॉइंट से ही जाती है तो फोकल पॉइंट से ये पास हुई है ओके एंड अदर रेज इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रूल नंबर थर्ड में हमने स्टडी किया है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज जो है वो पास आउट होती है तो वो अगेन बाउंसिंग बैक हो जाती है सेम पाथ में ओके तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ होगा दैट इज़ द सेम तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज एडेश आपको ए बी का इमेज मिला ओके एंड दिस इज़ ऑल्सो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज एंड एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज साइज विल बी द स्मॉल ओके और वी कैन से डिमिनिश्ड ये सेकेंड केस है अब थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में हम इमेज को डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आते हैं कहाँ ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज को हमने यहाँ रख दिया ओके okay, यहाँ से भी अब रेज इंसिडेंट होगी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन चाहिए देन आपको मिनिमम टू रेस तो होनी ही चाहिए ओके टू रेस का इंटरसेक्शन होगा देन आपको इमेज फॉर्म मिलेगा तो यहाँ पर हमारा फर्स्टली इमेज पैरल गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल एंड अदर इमेज विल बी पासिंग थ्रू दिस वे ओके सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोइंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड ये वाली जो रे है ये भी किस पॉइंट से गुजरी है प्रिंसिपल फोकस ओके okay, ये दोनों जो हैं वो प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हुए हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एडेश सो एडेश और वी कैन से ए एडिश इज आवर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी एंड इट इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड यस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज विल बी सेम इमेज साइज और एंड ऑब्जेक्ट साइज जो होगा वो सेम होगा किस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो okay, ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की तो नेक्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा देन आपका इमेज किस तरह से फॉर्म होगा तो इस डायग्राम में देखिए ये पैरल रेज गई आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सेस

कहाँ पर फोकल पॉइंट पर प्लेस्ड कर देते हैं तो ए बी जो है वो फोकल पॉइंट पर है एंड यहाँ से भी पैरल रेस इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो फोकल पॉइंट से पास आउट हुई एंड अगेन दिस रेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस आर द पैरल रेस ओके एंड दे आर मीटिंग एट अ इंफिनेटी ओके ये जो है वो इन्फिनीटे पर मिलेगी कहाँ मिलेगी पैरल रेस तो एक्चुअली तो मिलती नहीं है बट ये इन्फिनीटिव पर हम सपोज करते हैं कि इन्फिनीटी पर तो ए बी का जो इमेज है ये कहाँ पर मिलेगा आपको इन्फिनीटि और हाईली एनलार्ज लार्ज होगा ओके एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा इमेज का जो नेचर होगा दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड अब लास्ट केस में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट एंड पोल इन दोनों के बीच में रखना है ओके okay, तो यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन होगा दैट इज़ द वर्चुअल मीन्स वर्चुअल रेस मीन्स द रेस आर नॉट रियल ओके इन रेस को आपको सपोज करना, करना है इमेजिन करना है ओके यहाँ पर ये जो रेस है वो बैकवर्ड साइड में आपने इंक्रीज किया एंड दिस रे विल बी इंक्रीज इन द बैकवर्ड साइड देन द इमेज फॉर्म विल बी द डैश बी डेश ए डेज बी डेश आपको इमेज मिला ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी का ओके एंड इट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ओके इन्स लास्ट केस में हमारे पास जो इमेज मिलता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड आल्सो इट इज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इट इज़ लार्ज ओके सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर ओके आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अब हम बात करते हैं कि इन सभी कॉनकेव मिरर के कैसेस को यूज़ करके हम डेली लाइफ में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ओके सो लेट्स सी जनरली हम कॉनकेव मिरर का यूज़ टॉर्च सर्च लाइट एंड व्हीकल हेड लाइट्स में करते हैं शेविंग मिरर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है ताकि आपको इमेज एन लार्ज मिले डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं इस मिरर का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें आपके माउथ की जो इमेज है वो एनलार्ज मिले ताकि क्लियरली हर पॉइंट को वो देख सके ओके एंड सोलर फर्नेसेस में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है ओके सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्वैक्स मिरर ओके इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वैक्स मिरर कॉन्वैक्स मिरर के केस में आपके पास ओनली टू टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन होगा फर्स्टली एट इन्फिनीटी एंड सेकेंड वन इज सम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बिकॉज इस मिरर का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो बिहाइंड द मिरर होता है एंड हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है रखा होता है वो लेफ्ट साइड रखा होता है मिरर के ओके सो यहाँ पर फर्स्ट केस में इन्फिनीटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देन इंसिडेंट पैरल रेज जो है वो इंसिडेंट हुई हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोइंग थ्रू इन दिस वे ओके एंड देन यहाँ पे अगर आप बैकवर्ड साइड में इंक्रीज करेंगे रेस को तो इट इज एट पॉइंट एफ ओके एफ मीन्स फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट पर मीट होगी एंड यस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनी विल बी एट द फोकल पॉइंट ओके तो यहाँ पे फोकल पॉइंट पे आपको इमेज मिला एंड इमेज विल बी द पॉइंट साइज इमेज का साइज कैसा है काफ़ी स्मॉल है एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल मीन्स देखिए आप आपने यहाँ पे रे जो है वो अपीयर हुई है एक्चुअल रेज मीट नहीं हुई है एंड इरेक्ट मीन्स सीधा स्ट्रेट ए बी का जो इमेज है दैट इज़ विल बी द ए डैश बी डैश ओके सो द सेकेंड केस सेकेंड केस में आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है एंड इंसिडेंट रेज जो है वो इंसिडेंट हुई ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोइंग थ्रू इन दिस वे इसको भी हमने बैकवर्ड साइड में इंक्रीज किया एंड देन इट विल बी मीट एट द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट एफ ओके पॉइंट एफ पर मीट हुई एंड अगेन अदर रेज आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इट विल बी मीट एट पॉइंट सी ओके सो द इमेज विल बी ए डैश बी डैश ऑफ अवर ऑब्जेक्ट ए बी ए बी का जो इमेज है वो ए डैश बी डैश पर मिला मीन्स पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ओके एंड द इमेज विल बी द स्मॉलर एंड डिमिनिश्ड काफी स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी द वर्चुअल एंड इरेक्ट ओके वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा स्ट्रेट होगा एंड वर्चुअल होगा तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो जनरली आपने देखा होगा व्हीकल साइड ग्लासेस उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है क्योंकि आपको इमेज जो है इरेक्ट और डिमिनिश्ड वहाँ पर चाहिए होती है क्योंकि आपको इमेज स्ट्रेट और थोड़ा स्मॉल चाहिए होता है ताकि वो इजीली आपको दिखाई दें तो इसीलिए आपको इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना होता है ओके सो यहाँ हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो आपकी क्लास में अभी नहीं है वो आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे नाउ आपको सिर्फ रीड करना है सिर्फ लर्न करना है फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला विल बी वन बाय वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ओके हियर वी इज द इमेज डिस्टेंस यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ, ओके एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ये हम साइन कन्वेंशन में अभी पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं साइन कन्वेंशन के बारे में आपको सिखाऊंगी अभी फिलहाल आपको ये ही जान लेना है अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतनी बातें माइंड में स्टोर करके रखना है ओके सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज ओके न्यूमेरिकल्स हम जब भी लेंगे तो मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी आएंगी ही तो चलिए आज का जो हम लेक्चर है वो पूरा एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन के बारे में सिखाऊंगी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम वहाँ सॉल्व करेंगे ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच